जनसमर्थ पोर्टल कैसे काम करेगा, इससे यूजर्स कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बता रही है मेरी सहयोगी खुशबू तिवारी। इस पूरे हफ्ते सरकार मना रही है आजादी का अमृत महोत्सव और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया है जनसमर्थ पोर्टल का। चलिए आपको दिखाते हैं ये पोर्टल कैसा होगा और कैसे काम करेगा और आम लोगों के कितने मदद के आएगा। जैसे ही आप जनसमर्थ के लॉगिन या रजिस्टर पर जाएंगे, आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, यानी इस पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर ये कैप्चा कोड डालकर गेट OTP पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपको अपना ईमेल एड्रेस भी जानकारी देनी होगी और उस पर भी एक OTP आएगी जो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो प्लेटफॉर्म खुलेगा वो कुछ इस तरह से आपका होम पेज दिखाई देगा, यानी इस होम पेज पर अलग अलग तरह की स्कीमों के तहत किस तरह की क्रेडिट फैसिलिटी सरकार की ओर से दी जा रही है उसकी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर दी गई हुई है। यानी लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई है इस एक जनसमर्थ पोर्टल के जरिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं की जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी स्कीमें एजुकेशन लोन के लिए हैं, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सी लोन की सुविधाएं हैं, लाइवलीहुड हो या फिर बिजनेस एक्टिविटी लोन्स हो। चलिए आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन्स की जो जानकारी है वो दिखाते हैं। 6 अलग अलग स्कीमें यहाँ जानकारी दी गई हैं। आपको याद होगा PM स्वनिधि योजना का भी एक ऐलान किया गया था कोविड के दौर में, जब जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसके लिए भी, तो आप चाहें तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी करके अपनी कैटेगरी चूज करके अपनी जितनी भी अपनी जानकारी भरी है और अपनी एलिजिबिलिटी चूज कर सकते हैं कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। साथ ही अगर आपको चेक करना हो कि आपकी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची है तो वो भी यहां पे आप चेक एप्लीकेशन में माय एप्लीकेशंस पर जाकर चेक कर सकते हैं।